हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि डायोड क्या होता है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि डायोड क्या होता है, और डायोड एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कंपोनेंट है पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। फ्रेंड, पूरे जो भी मतलब बनता है डायोड के बिना इम्पॉसिबल फ्रेंड बनना। तो ये बहुत ही फ्रेंड्स एक की एलिमेंट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो फ्रेंड, इसे समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, आज हम बेसिक से जानेंगे। हमने एक स्पेशल वीडियो की शुरुआत की है सीरीज़ की, जिसके अंदर हम जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम बेसिक से जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने शुरुआत किया है डायोड से, तो हम देखेंगे कि हमारा डायोड क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे, हम इसके पेपर डेफिनेशन डालेंगे इंग्लिश में कि हमारा डायोड होता क्या है। फिर हम इसे हिंदी में भी बात करेंगे। फ्रेंड, पहले इसमें आपको इंग्लिश में समझा देता हूँ फ्रेंड, फिर मैं आपको हिंदी में इसके बता दूंगा। फ्रेंड्स, अ डायोड इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। फ्रेंड, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन रोल डायोड का जो होता है, मेन फंक्शन वही होता है फ्रेंड्स, कि फ्रेंड डायोड जो होता है फ्रेंड, वो जो आपका जो करंट है फ्रेंड, उसको एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर देता है फ्रेंड। मतलब जो फ्रेंड जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्रेंड्स, फ्रेंड वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होंगे फ्रेंड्स, वो दो डायरेक्शन में फ्लो नहीं होंगे। जैसे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक डायोड है फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड, इसके अंदर आपको दो मिलेंगे फ्रेंड, एक होता है फ्रेंड एनोड, एक होता है फ्रेंड कैथोड। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया फ्रेंड, देख सकते हैं डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, एक होता है फ्रेंड हमारा एनोड साइड और एक होता है फ्रेंड हमारा कैथोड, एक होता है एनोड, एक होता है फ्रेंड कैथोड। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल रहा डायोड है फ्रेंड, जो देख सकते हो फ्रेंड, इसके अंदर आपको फ्रेंड दो मिलेगी फ्रेंड, एक मिलेगी आपको सिल्वर कलर की लाइन, एक मिलेगी फ्रेंड आपको ब्लैक कलर की लाइन। फ्रेंड देख सकते फ्रेंड, जो ये जो सिल्वर कलर है फ्रेंड, ये हमारा होता है फ्रेंड पॉजिटिव, और फ्रेंड ये होता है हमारा नेगेटिव। तो फ्रेंड, जो हमारा डायोड होता है फ्रेंड, वो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से फ्रेंड हमारे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट को पास करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, ये हमारे जो करंट है फ्रेंड, वो सिंगल डायरेक्शन में पास करता है फ्रेंड। जैसे फ्रेंड, अगर करंट हमारे यहाँ से जा रहा है फ्रेंड्स, तो इधर से जाएगा फ्रेंड्स, करंट फ्रेंड वापस रिवर्स नहीं आएगा। मतलब अगर हमने कोई सीरीज यूज़ की फ्रेंड, इसलिए तो हम उसमें डायोड यूज़ करते हैं। अगर हमारा करंट स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा है फ्रेंड्स, तो हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्रेंड, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, वो हमारे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेंगे। यही फ्रेंड हमारा डायोड का मेन फंक्शन होता है फ्रेंड्स। आगे बात करें, डायोड इज़ अ सेमी कंडक्टर डिवाइस दैट इसेंशियली एक्ट्स एज अ वन वे स्विच फॉर द करंट। मैंने कहा फ्रेंड्स, ये जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारा एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है फ्रेंड, जो कि फ्रेंड्स हमारे करंट के लिए एक फ्रेंड एक सिंगल जो बोलते हैं सिंगल वे स्विच का काम करता है फ्रेंड। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसका मेन फंक्शन सिर्फ करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर देना है, सिर्फ करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना है इसका मेन काम होता है। यहाँ पर हमने लिखा भी है वे फॉर करंट, और फ्रेंड इट अलाउज द करंट टू फ्लो इजीली इन वन डायरेक्शन बट सीवरली रेस्ट्रिक्ट्स करंट फ्रॉम फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। और फ्रेंड इसका काम होता है फ्रेंड्स, करंट को एक डायरेक्शन में प्रॉपरली फ्लो करने देना, और फ्रेंड दूसरे डायरेक्शन से करंट को आने से रोकना। फ्रेंड सिंपल डेफिनेशन डायोड का बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बस फ्रेंड ये स्टार्टिंग में ध्यान रखिए, आप डायोड है इसेंशियल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डेट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। फ्रेंड आपको इतना ध्यान रखना है बस सिंपल। फ्रेंड डायोड में कोई इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल है फ्रेंड कंपोनेंट, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। और फिर हम बात करें फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये हमारे डायोड का फ्रेंड्स हमने क्रॉस सेक्शन बनाया, देख सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसके अंदर जो हमारे जो सिल्वर कलर लाइन होती है फ्रेंड, जिसकी हमने ये बात की फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से कहते हैं फ्रेंड एन टाइप मटेरियल होता है फ्रेंड इसके अंदर, और यहाँ होता है फ्रेंड एक पी टाइप मटेरियल, और जिसे हम फ्रेंड पी एन कहते हैं फ्रेंड, पी एन जंक्शन जिसे हम कहते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड ये जो होता है फ्रेंड, इन दोनों का सेपरेशन एरिया बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। तो फ्रेंड्स ये हमारे डायोड का सिंपल ये है फ्रेंड्स। और फ्रेंड मैं बताता फ्रेंड्स आपको, एक डायोड रियल में ऐसा दिखता है, आप जाके देख सकते हो फ्रेंड। और फ्रेंड इसके बहुत सारे फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड इसके बहुत सारे प्रकार आते हैं फ्रेंड, और इसके बहुत सारे फ्रेंड टाइप्स आते हैं। जैसे फ्रेंड मेरे हाथ में जो डायोड है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड IN4007। फ्रेंड जो डायोड होता है फ्रेंड्स, एम्पियर रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब फ्रेंड जितना ज़्यादा आपके सर्किट में उतना एम्पियर, उतना ज़्यादा फ्रेंड्स आपको हायर एम्पियर रेटिंग का डायोड यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड जिसका जैसा अकॉर्डिंगली जैसे नीड है फ्रेंड्स, वैसा आपको डायोड यूज़ करना पड़ेगा। जैसे फ्रेंड ये जो डायोड है फ्रेंड्स, ये डायोड हमारा एक या दो एम्पियर के लिए सस्टेन कर लेगा फ्रेंड, उसके लिए चल जाएगा फ्रेंड। उससे अगर आपको बड़ा डायोड चाहिए तो फ्रेंड्स आपको IN5 फ्रेंड आपको शो नहीं कर पा रहा होगा। फ्रेंड मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, आपको अगर आपको शो कर पा रहा है तो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको आपका करंट फ्रेंड्स अगर वो एक एम्पियर है, तो फ्रेंड्स आपको IN4007 यूज़ करना है एक या दो एम्पियर के लिए। फ्रेंड्स आपका करंट अगर दो तीन या चार एम्पियर के लिए है, तो फ्रेंड्स आपको IN540 डायोड यूज़ करना है, जो कि तीन एम्पियर से चार एम्पियर सस्टेन करेगा। फ्रेंड्स अगर आपका जो डायोड है फ्रेंड्स, अगर वो करंट है फ्रेंड, वो अगर 6 एम्पियर के ऊपर है, 6 या 7 एम्पियर के ऊपर, तो फ्रेंड्स आपको MIC6A4 तरफ के डायोड आता है फ्रेंड, वो डायोड यूज़ करना है। और फ्रेंड्स अगर आपका फर्दर जितना भी लोड होगा फिर करंट होगा फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंगली आपको डायोड यूज़ करना है फ्रेंड, उसके अकॉर्डिंगली आपकी एम्पियर रेटिंग आती है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड हमने सीरीज़ शुरू की हमारे चैनल के ऊपर, फ्रेंड्स हमारे पहला वीडियो हमारे सीरीज़ का ये। फ्रेंड अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखनी है फ्रेंड्स, आगे हम बात करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो देखना तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, हम उस वीडियो में भी अपलोड करेंगे, उससे बात करेंगे फ्रेंड्स। और हम पूरा जितना भी है फ्रेंड बेसिक से हम पूरा फ्रेंड्स एंड तक जाएंगे, हमारे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स फ्रेंड होप पर तो आपको वीडियो अच्छा लगा। फ्रेंड्स हमारा 1000 सब्सक्राइबर का गोल है, प्लीज उसे कंप्लीट करा दीजिए फ्रेंड्स आप। तो फ्रेंड तब तक के लिए थैंक यू।